हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस करंट। ठीक है ना? इससे पहले आपने इसे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे बच्चे, लेंस लॉ और फैराडेज लॉ। ठीक है ना? लेंस लॉ में डिस्कस कर चुका हूं, इससे पहले मैं फैराडे लॉ डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और इस टॉपिक पर बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आप इसको मेरे साथ साथ नोट कर लें और ध्यान से सुने आप। ठीक है ना? यस, सुनिएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस करंट नोट करिए साथ में। यहां पर देखो, ये कोई मेटलिक रॉड है बच्चों, ये वाली। इस रॉड का नाम डाल दो आप MN या PQ। ठीक है ना? इस पर लिखा हुआ है यहां पर M, यहां पर लिखा है N। ये कोई मेटलिक रॉड है और ये मेटलिक रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में B के परपेंडिकुलर रखी है। B तो इस डायरेक्शन में है और इसकी लेंथ इस डायरेक्शन, ऐसे ले लो या इधर ले लो भाई। बी तो इस डायरेक्शन में हो गया और रॉड की लेंथ किधर हो गई? देखो, रॉड की लंबाई ये हो गई, ये तो बी और ये रॉड, तो रॉड की डायरेक्शन बी के परपेंडिकुलर है रॉड की लेंथ। भाई अगर रॉड ऐसे होती तब तो बी के पैरेलल हो गई, रॉड ऐसे है, बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? और ये रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी तो इधर है और रॉड ये रही, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करी कौन? ये रॉड। बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करी ऐसे या ऐसे। ठीक है ना? जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप, ये रॉड मान लो, तो ये रॉड या तो इस तरह से चले या फिर ऐसे जाए, बी के परपेंडिकुलर है, बी तो इधर, रॉड की लेंथ परपेंडिकुलर है, तो ये रॉड या तो ऊपर चले या फिर नीचे चले इस तरह से, या फिर रॉड इस तरह से हो, बी इधर है और रॉड की लेंथ बी के परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो रॉड मोशन करते समय बी के परपेंडिकुलर, ठीक है, या तो इस तरह से जाए या इधर जाए, या फिर ऐसे जाए या इस तरह से जाए, बी के परपेंडिकुलर जानी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये बात क्लियर है बिल्कुल। जब कोई मेटलिक रॉड, ये कोई मेटलिक रॉड है MN और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रॉड नॉर्मल टू प्लेन हम इस तरह से चला रहे हैं, ऐसे ऐसे रॉड ऐसे चल रही है, और फिर से समझो, बी तो इधर है और रॉड ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे बी के परपेंडिकुलर, तो ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने के कारण इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इस रॉड के एंड्स पर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। देखिए, मैं यहां पर अलग से फिगर बना रहा हूं, ये तो बी, और मान लीजिए आप ये वाली रॉड है, ये रॉड है, जरा ध्यान से सुनना, इसको नाम डाल दिया मैंने M, इसको डाल दिया N, और इस रॉड की लेंथ, इस रॉड की जो लेंथ है ये L, और ये रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड है, और जब इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मोशन कराएं, या तो ऊपर या फिर नीचे, ठीक है ना, तो फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके एंड्स पर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। और अगर हम सर्किट कंप्लीट कर दें तो इस रॉड में एक इंड्यूस्ड करंट कंडक्ट करने लगेगी। कब तक? जब तक ये रॉड मोशन में होगी तब तक फ्लक्स बदल रहा होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो इस रॉड के एंड्स पर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। और अगर हम सर्किट को कंप्लीट कर दें, इस रॉड के अंदर, इस रॉड की बात कर रहा हूं मैं,
तो इस रॉड के अंदर एक इंड्यूज करंट कंडक्ट करेगी, और इंड्यूज करंट का इफेक्ट केवल तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स तभी तक चेंज होगा जब तक ये रॉड मोशन में होगी। जब ये रॉड मोशन में होगी, ठीक है ना, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे, तो फ्लक्स चेंज होने के कारण इस रॉड के एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और सर्किट अगर हम कंप्लीट कर दें तो इस रॉड के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट कंडक्ट करने लगेगी, और उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए ये नियम है, कौन सा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और रूल क्या है, राइट हैंड रूल, इस तरह से देखिएगा जरा, फोर फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये थंब, ये राइट हैंड, तो अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये वाली, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, ये थंब और ये सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को तो रखो किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मेटलिक रॉड, ये कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में, क्या बेटा, थंब, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड सेंट्रल फिंगर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, सेंट्रल फिंगर हमको क्या बताएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये कोई मेटलिक रॉड है एम एन, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर इस तरह से ऊपर की ओर चल रही है, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो फोर फिंगर तो रखिए किधर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा, और रॉड किधर चल रही है, इस तरह से भाई, फोर फिंगर तो ये हो गए ये, और रॉड इस रॉड जा रही है ऐसे, अरे रॉड तो इस तरह चल रही है ना, जिस डायरेक्शन में रॉड की मोशन है उस डायरेक्शन में थंब, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, सेंट्रल फिंगर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इस रॉड के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी इधर से किधर, एम से एन की ओर, एम से एन की ओर, यही बात मैंने यहां लिखी है बच्चों, ए मेटलिक रॉड एम एन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके कारण इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कंडक्ट करने लगेगी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किससे बेटा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फोर फिंगर, फोर फिंगर कहते हैं हम इस उंगली को, अंगूठे के बगल वाली उंगली, फोर फिंगर को तो रखो किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो सेंट्रल फिंगर क्या शो करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करेगी सेंट्रल फिंगर, तो लगाइए नियम, यहां पर ये मैग्नेटिक रोड एम एन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर पेपर प्लेन के ऊपर की ओर जा रही है ऐसे अपवर्ड, तो देखिएगा डायरेक्शन, बी तो हो गया ये रहा, और कंडक्टर किधर चल रहा है, रॉड किधर जा रही है, ये रॉड चल रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो बी की डायरेक्शन तो ये रही, थंब इन द मोशन ऑफ कंडक्टर, तो सेंट्रल फिंगर कौन सी हो गई, ये वाली, सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन क्या बता रही है, सेंट्रल फिंगर गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो इस वायर के अंदर, इस रॉड के अंदर करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एम से एन की तरफ होगी, जब इंड्यूस करंट, सोचो बच्चों इधर जाएगी, करंट इधर जाएगी, जिधर करंट जा रही है इसका सेंस क्या है, करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट इसके अंदर जो, इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, करंट की डायरेक्शन ये निकल के आ रही है आपकी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड से इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड की तरफ चलेगी, इस वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड की ओर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो ये टर्मिनल कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस रॉड के अंदर, इसको फिगर को मैंने देखो यहां दिखा दिया है, जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और ऐसा तभी होगा जब इस रॉड के
इस वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन इधर चले, तो ये टर्मिनल कैसा हो गया प्लस और ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा माइनस। एक्चुअल में जब ये रॉड मोशन करेगी तो फ्लक्स चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे एक इस रॉड का एक एंड तो हो जाएगा हायर पोटेंशियल पर और एक हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पर, ड्यू टू विच इस रॉड के अंदर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द रॉड। तो इस रॉड के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, कौन सा फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और सर्किट को अगर हम कम बंद कर दें बच्चों ऐसे किसी रेजिस्टेंस के द्वारा बंद कर दें ऐसे, ये नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस रेजिस्टेंस को मैं आर मान लूं, अगर सोचो अपने दिमाग से तो करंट ऐसे जा रही है एक तरह से, तो इस वाले टर्मिनल से करंट चल करके इस वायर में तो ऐसे ही आएगी ना, इस तरह से इस वायर में तो इधर करंट कंडक्ट करेगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये करंट कितनी होगी, इस करंट की वैल्यू को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों, ये करंट कितनी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके दोनों एंड्स पर, कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस। अब इस रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इन दोनों सिरों के बीच, एक तरह से दिस रॉड बिहेव लाइक सेल, ठीक है ना, ये रॉड किसकी तरह बिहेव करेगी, एक सेल की तरह। एक्स का मतलब ये हो गया ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ एक तरह से ऐसे, ये टर्मिनल नेगेटिव, हम इस तरह से सर्किट को बना दें, हमने इस रॉड की जगह पर इस रॉड का ये टर्मिनल तो प्लस, तो सेल का ये तो प्लस की तरह बिहेव करेगा इस रॉड का, इस रॉड का ये वाला टर्मिनल किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह है और ये वाला टर्मिनल ये वाला एंड किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और इस सेल के मींस इस रॉड के इन दोनों एंड्स पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एक तरह से इस सेल का ईएमएफ कहलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ले लें तो सर्किट में क्या निकल आएगी, इंड्यूस्ड करंट निकल आएगी। तो मैं इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं केवल और केवल, यहां पर मैंने एक ही बात लिखी है मेरे बच्चे, यहां पर ये कोई मेटलिक रॉड है एम एन और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे तो फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे इस रॉड के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट कंडक्ट करेगी और उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या बोलता है, अंगूठे के बगल वाली उंगली फोर फिंगर बोलते हैं इसे, ये तो बी की डायरेक्शन में रखो और जिधर कंडक्टिंग रॉड मोशन कर रही है थंब उस रॉड के मोशन की डायरेक्शन में, तो सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करती है। यहां पर मैंने यही लिखा है मेरे बच्चे, ए मेटलिक रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फोर फिंगर रखिएगा आप किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड सेंट्रल फिंगर बीच वाली उंगली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लियर। यहां पर हमने एक लाइन लिखी है बच्चों, देखो यहां पर ये रॉड दिखाई दे रही है एम एन मैग्नेटिक फील्ड बी, हियर ए रॉड एम एन ऑफ लेंथ एल, इस फिगर को मैं फिर से बनाई दे रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा है मेरे बच्चे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड है एम एन, नाम डाल दो इसका, इसको लिख दो एम और इसको लिख दो एम, और इस रॉड की लंबाई कितनी है मेरे बच्चे एल, मान लो हियर ए रॉड एम एन, ये एम एन ऑफ लेंथ एल केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, एम एन रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और रॉड ऐसे है परपेंडिकुलर रखी है, एंड रॉड इज मूव्स अप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर विद वेलोसिटी बी, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड बी तो ऐसे है रॉड ऐसे है, रॉड की लेंथ बी के परपेंडिकुलर है ऐसे, और रॉड पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रही है ऐसे चल रही है ऐसे,
तो देखिए लेंथ ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, और रॉड के चलने की डायरेक्शन इधर है। रॉड के चलने की डायरेक्शन किधर है? देखो बी तो इस डायरेक्शन में, लेंथ ऐसे और रॉड चल रही है ऐसे इस डायरेक्शन में। ये तो रॉड के मोशन करने की डायरेक्शन है, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वी वेलोसिटी, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड इस तरह से चल रही है। तो इसका मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो गई? ये तो हो गई एल, लेंथ की डायरेक्शन, रॉड की लंबाई की डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड चल रही है ऐसे, तो ये हो गई किसकी डायरेक्शन? रॉड के चलने की डायरेक्शन। ये तो वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में ये क्या है? लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर, लेंथ इधर, और रॉड के चलने की डायरेक्शन इधर। तीनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इस रॉड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लगाइए नियम। तो बी तो हो गया ये बच्चों, डायरेक्शन बी की। तो हम फोर फिंगर किधर? अंगूठे के बगल वाली उंगली को किधर रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की ओर। रॉड किधर चल रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है रॉड। तो रॉड के चलने की डायरेक्शन ये रही, बी तो ये हो गया। रॉड के चलने की डायरेक्शन ये वाली है ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो गई? ये वाली सेंट्रल फिंगर बताती है किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो यहां पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर हो गई मेरे भाई? एम से एन की ओर। तो इस रॉड के अंदर इंड्यूस करंट कंडक्ट करेगी एम से एन की ओर ऐसे। और करंट ऐसे जा रही है, इसका सेंस ये है कि इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन से एम की ओर चलेंगे, जिससे रॉड का ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर, एट हाई पोटेंशियल, क्वेश्चन पढ़ो मैं ये आपकी। और ये टर्मिनल हो जाएगा कैसा? एट लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। एक टर्मिनल तो हाई पोटेंशियल पर हो गया, एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पर, जिसकी वजह से इस रॉड के अंदर, रॉड के मोशन करने के कारण, रॉड के इस रॉड के भीतर, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है एक एंड तो, और एक एंड लो पोटेंशियल पर है, तो इस रॉड के अंदर इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस रॉड के अंदर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात क्लियर है? यहां पर लिखा है मेरे बच्चे, हियर ए रॉड एन एन ऑफ लेंथ एल कैप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, इट मूव्स अप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर विद वेलोसिटी बी, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्रॉम एम टू एन। मैंने यहां पर यही लिखा है, ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तो रॉड है बच्चों, सॉरी ये तो रॉड है बच्चों, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और रॉड ऐसे जा रही है। तो डायरेक्शन लगाइए आप फिर से, ये तो रॉड के चलने की डायरेक्शन है ये वाली, और ये रॉड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये डायरेक्शन तो हो गई रॉड के, रॉड इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये डायरेक्शन हो गई रॉड के चलने की डायरेक्शन, मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर ये हो गया, करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर बताएगी इस वाले एंड से इस वाले एंड की, इस वाले एंड से इस वाले एंड की। क्लियर? एम से एन की ओर, जैसा कि फिगर में मैंने दिखा दिया है। क्लियर है? इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसका एक्सप्लेनेशन सुने बच्चों। और ये बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, आप इसको नोट कर लें बच्चों। देखो ध्यान से, यहां पर कोई रॉड है, ये एम है, नाम डाल दो एम, और ये एन, रॉड एम एन ऑफ लेंथ एल इज कैप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी। ये कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ कितनी है एल, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, बी के परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है ना। दिस रॉड, रॉड इज मूव्स अप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर विद वेलोसिटी बी, और ये रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी है ऐसे, और ये रॉड पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर वी वेलोसिटी से ऐसे चल रही है। सोचो जरा दिमाग से, ये तो रॉड है मेरे बच्चे, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड है, रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में, रॉड ऐसे जा रही है। तो रॉड जब इस तरह से चलेगी, रॉड कंडक्टिंग रॉड है,
तो इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड बी में ये रॉड जब मोशन करेगी तो रॉड के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन भी तो रॉड के साथ साथ ऊपर चलेंगे। भाई रॉड जब ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो रॉड के साथ साथ इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रॉड के साथ साथ ही तो चलेंगे ना ऊपर। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। और डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने, कोई एक्स्ट्रा बात चीज नहीं बोली मैंने। इस पॉइंट को मैं पहले बढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार समझ लो। ये कोई कंडक्टिंग रॉड है MM, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है बी के परपेंडिकुलर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रॉड ऐसे रखी है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रॉड पेपर प्लेन के ऊपर, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, जब रॉड मोशन करेगी तो रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रॉड के साथ साथ ही तो चलेंगे मेरे बच्चे। और रॉड के साथ साथ रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे, जैसे हम ये कहें जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में जब कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मोशन करता है तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है। और उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकाली जाती है इस वाले नियम से। कौन से वाले नियम से? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अंगूठे के बगल वाली उंगली, फोर फिंगर, इसको बोलते हैं फोर फिंगर। ये तो रखी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेंट्रल फिंगर, जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर। तो थंब करंट की थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, भाई रॉड ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चलेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि जब ये वाली रॉड मैग्नेटिक फील्ड में जब पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे चलेगी तो रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन रॉड के साथ साथ ऊपर जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन इसके भीतर जो, इस रॉड के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में रॉड के साथ साथ ऊपर चलेंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक लॉरेंज फोर्स लगेगा, और उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बी तो ये हो गया, और रॉड चल रही है ऐसे, तो रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी तो इसी तरह इसी डायरेक्शन में ऐसे ही चलेंगे ना। तो बी की डायरेक्शन तो ये रही और इलेक्ट्रॉनों के चलने की डायरेक्शन ये, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर फोर्स की डायरेक्शन किधर निकल रही है? ये इस डायरेक्शन में निकल रही है एम से एन की ओर। लेकिन ये वाला जो नियम है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, लॉरेंज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट रिवर्स आफ्टर अप्लाइंग द रूल। तो पहले जरा गौर से फिर से देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड ऐसे जा रही है, रॉड के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर एक लॉरेंज फोर्स लगेगा, और उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन नियम लगाकर इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल किधर किस डायरेक्शन में आ रही है? एम से एन की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसलिए इस डायरेक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगने लगेगा किधर से? एन से एम की इधर। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। ये जो फोर्स लग रहा है एन से एम की ओर, ये एफ बराबर क्या होगा? Q
क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पर क्यू की जगह पर चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा इतना ई, और वेलोसिटी वी, और बी साइन थीटा कितना है यहां पर, थीटा 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि बी तो इस डायरेक्शन में, रॉड ऐसे जा रही है तो रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, तो थीटा 90 हो गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एन से एम की ओर ई वी बी, जिसके कारण इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड से इस वाले एंड की ओर चलने लगेंगे, और इस एंड से इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाएंगे तुरंत ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। उसी समय इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, जब इस वाले एंड से इस डायरेक्शन में चलेंगे तुरंत ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। कौन सा फील्ड, इस रॉड के भीतर जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तुरंत उसी समय इन इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, और क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई। और ये फिनोमेना तब तक चलेगा मेरे बच्चे, कब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो जनरेट हो रहा है इन इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक फोर्स के कारण चलने की वजह से, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस मैग्नेटिक फोर्स के लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सिरे की ओर चलेंगे, इस एंड से इस वाले एंड की ओर चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे गिरे, जैसे इस एंड से इस वाले एंड की ओर चले, तुरंत ये टर्मिनल प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इस रॉड के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स कितना, एफ बराबर क्यू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की ओर, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ई इंटू ई, ठीक है ना। और ये फिनोमेना मेरे बच्चे तब तक चलेगा जब तक अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ना हो जाए। जैसे ही अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हुआ, तुरंत नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जीरो, इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, एक कॉन्स्टेंट इन दोनों एंड्स के बीच एक कॉन्स्टेंट ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोशनल ईएमएफ। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप, ए रॉड एम एन ऑफ लेंथ एल इज कैप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, द रॉड इज मूव्ड अप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर विद वेलोसिटी बी। ये कोई मेटलिक रॉड एम एन है जिसकी लेंथ एल बता रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी के परपेंडिकुलर रखी है, और ये रॉड पेपर प्लेन के नॉर्मली वी वेलोसिटी से ऊपर चल रही है ऐसे, ठीक है। जब रॉड ऊपर चलेगी तो रॉड के साथ साथ रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रॉड के साथ साथ ऊपर ही चलेंगे, इसीलिए लिख दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द रॉड ऑल्सो मूव्स अप अलोंग विद द रॉड। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड के साथ साथ, जब रॉड चल रही है ऊपर, तो रॉड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स एक्ट होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ए लॉरेंज फोर्स एफ बराबर ई वी बी एक्ट ऑन इट, जिससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चलने की वजह से एक कौन सा फोर्स लग रहा है, लॉरेंज इन द डायरेक्शन एन टू एम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट एंड। ये जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल, बी तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में है क्योंकि रॉड ऐसे चल रही है, फोर्स निकल रहा है इस डायरेक्शन, लेकिन ये जो नियम लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए सही होता है, फोर्स निकल रहा है ऊपर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स की डायरेक्शन को उल्टा कर दो, इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स आ गया नीचे, ठीक है ना। हेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एन टू एम, जिससे इलेक्ट्रॉन एन से एम की ओर फ्लो होने लगे,
ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर चलने लगे, इसके भीतर, इस रॉड के भीतर, रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चे, कोई डाउट? हेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू एम ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डेवलप्ड इन साइड द रॉड एंड दिस फिनोमिनन इस हैपेंस टिल द टाइम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस ईच अदर। ये फिनोमिना तब तक चलेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जब तक एक दूसरे से बैलेंस ना हो जाए तब तक ये फिनोमिना चलता रहेगा। ठीक है ना, और जैसे ही ये बराबर हुआ मेरे बच्चे क्या होगा, अपवर्ड इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। अपवर्ड इलेक्ट्रिकल कितना है, क्यू इंटू ई, क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रॉड के भीतर, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90, इस ई से ई कट गया। ठीक है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द रॉड। ठीक है ना, रॉड के भीतर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ई बराबर वी इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस रॉड के दोनों एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन लेंथ, ई बराबर वी अपॉन एल होता है बच्चों। तो इन दोनों एंड्स पर, इस रॉड के दोनों एंड्स पर इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस वी और इस रॉड की लेंथ एल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह पर लिख सकता हूँ मैं वी अपॉन एल इजिकल टू वी बी। ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एल को बच्चों इधर ले जाओ तो फॉर्मूला आ गया मोशनल ईएमएफ के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी बराबर, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी एल, ये वेलोसिटी है रॉड की, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ। इस फॉर्मूले को जरा विशेष ध्यान से देखो, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ रॉड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिलेशन केवल तभी एप्लीकेबल होगा कब मेरे बच्चे, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ रॉड की ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन तीनों में से कोई से भी दो पैरेलल हुए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। जैसे ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, और रॉड, ये तो रॉड मान लो ये उसको तो, और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर, और रॉड ऐसे चल रही है परपेंडिकुलर हो गए, तो इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, वी बी एल। ध्यान से सुनना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला तो, और ये रॉड, और रॉड ऐसे चल रही है, तो देखो रॉड की लंबाई तो ऐसे हो गई एल, तो ये हो गया बी, और इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हो गई वेलोसिटी, ऐसे तीनों परपेंडिकुलर हो गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला लगाइए वी बी एल। अगर ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में रॉड चले, यही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर रॉड ऐसे ना होकर कि ऐसे होती बच्चों, तो इस तरह से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड और यही रॉड है, ऐसे ही तो रॉड है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, एल और मैग्नेटिक फील्ड, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये रिलेशन केवल तभी एप्लीकेबल है कब, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड की लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड और ऑल्सो नोन एज मोशनल ईएमएफ। इसी वजह से हम इसको क्या बेटा, मोशनल ईएमएफ कहा जाता है बच्चों। इसका फॉर्मूला है वी बराबर मोशनल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, और ये रिलेशन तभी लगता है जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड की लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। यहां पर यही लिखा है, दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली व्हेन एल वेलोसिटी
एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखा हुआ है मेरे बच्चा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड एंड ए रॉड एल ऑफ लेंथ एल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाया बच्चों ने, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड ऐसे है और रॉड ऐसे है, ये रॉड है और रॉड इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, रॉड के चलने की डायरेक्शन ये रही, ये वेलोसिटी। इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्वेश्चन ये है। तो एक काम करो ना, ये फॉर्मूला तभी लगता है, ये रिलेशन हम तभी लगाते हैं जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर हो। तो देखो लेंथ तो ये हो गई मेरे बच्चे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, एल और बी तो परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहां से रॉड से कितना एंगल है थीटा। तो एक काम करो, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है। तो एक काम कर लो, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट निकालो, ये एंगल थीटा, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो गया, वी कॉस थीटा, वो वी साइन थीटा, भाई ये एंगल है, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो हो जाएगा वी कॉस, और इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन। तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट वी साइन थीटा, रॉड की लेंथ इस डायरेक्शन में हो गई और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तो इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इस वी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा लिखेंगे। तो वी की जगह पर वी साइन थीटा बी इंटू एल ये लिखेंगे यहां पर। क्लियर है ये बात, देख लियो, देख लो यहां पर, देख लो ठीक से, ठीक से देख लो मेरे बच्चे। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड एंड ए रॉड मूव्स इन इट एज शोन इन फिगर, फिगर देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड है और रॉड की लेंथ इस डायरेक्शन में होगी। फिर से समझो ठीक से, रॉड की लेंथ ये रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और रॉड की वेलोसिटी इधर है। हमें चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, और ये रिलेशन तभी लगेगा जब वी, बी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो यहां पर क्या हो गया, लंबाई एल तो इस डायरेक्शन में हो गई, ये वाली तो, ये तो हो गया इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपवर्ड, ये तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब ये वेलोसिटी इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लो, तो इस वेलोसिटी की एंगल दे रखा है रॉड से थीटा, तो हम कौन सी वेलोसिटी लें, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो हो जाएगा वी कॉस, और ये कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन, ये तो कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया वी साइन थीटा। तो हम इन दोनों कंपोनेंट में से ये वाली वेलोसिटी लें या ये लें या ये लें, तो हम वेलोसिटी कौन सी लेंगे, वो वाली वेलोसिटी लेंगे जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो, और ये बी इस डायरेक्शन में और लेंथ इस डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी तो ये, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये, तो तीनों में से कौन सी वेलोसिटी लेंगे, जो वेलोसिटी लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो। तो लेंथ ऐसे और ये वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अपवर्ड, तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है ये वाली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, इस वी की जगह पर हम वी साइन थीटा लिखेंगे बच्चों। तो यहां पर यही लिखा है क्या बेटा, ए रॉड मूव्स इन इट एज शोन इन फिगर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड इज वी बी एल साइन थीटा। तो वी की जगह पर वी साइन थीटा लिखा है आपने, वेयर वी साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वर्टिकली, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू लेंथ एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, वी साइन थीटा लिखा जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिएगा जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये भी, इस फिगर को जरा गौर से देखो बच्चों, और इस फिगर को बना लो आप, इस वाली फिगर 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। 12 वायर बता रहा है, 12 वायर, एक वायर तो ये हो गया, ठीक है, और
एक वायर इसको मान लो, ये वाला, ठीक, एक वायर ये वाला ले लो, ठीक है, एक वायर ये वाला ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं, एक वायर ये हो गया, मैंने कलर बदल दिए बच्चों इनके, देख लो, और एक वायर ये ले लिया बच्चों, दिख रहा होगा, एक वायर ये लिया है आपने, ये वाला, और एक वायर ये, ठीक है, एक वायर ये लिया है, एक वायर ये लिया है, ठीक है मेरे बच्चे, एक वायर ये ले लो, ये वाला कलर्ड हो गया अब तो पूरा फिगर, एक वायर ये तो काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 वायर हो गए, कितने 12 वायर्स, 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, आपने देख लिया, विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, जब ये 12 वायर पूरे के पूरे सभी के सभी v वेलोसिटी से चल रहे हैं, इस वेलोसिटी से, तो जरा गौर से देखो, वायर नंबर दिस, ये वायर, ये वाला वायर, ये वायर और ये वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जरा गौर से देखना, ये वाला वायर बी के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, ये वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वायर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये वाला वायर भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है मेरे बच्चे, बी वी और एल, वी बी एल, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला ये तो होता है बच्चों, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा और किन किन वायर्स पर होगा, क्वेश्चन ये पूछा है उसने, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी बी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो यहां पर देखो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो पहली बात तो ये दोनों पैरेलल हैं, हर वायर के लिए ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 12 वायर में से किसी भी वायर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर एक वायर के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यही पूछा है उसने, 12 वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब विच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, खत्म बात हो गई, देन नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन एनी आर्म ऑफ द क्यूब बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल क्लियर है, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, एक मिनट के लिए बस थोड़ा सा रुक, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गई बात, ये फिर से समझ लो इसी पॉइंट को, क्वेश्चन समझना चाहते हो तो, हमारे पास 12 वायर्स हैं जो कि क्यूब के फॉर्म में जॉइंट है, ये क्यूबिकल वेसल के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में जॉइंट है ये 12 वायर, फ्रेम हो गया ना, क्यूबिकल फ्रेम, क्यूबिकल वेसल ना का करके क्यूबिकल फ्रेम में वायर है, ये वाला वायर है, अरे वायर समझ लो, रॉड मान लो ना इसको, ये रॉड, ये भी रॉड, ये भी रॉड, ये भी रॉड, हर एक रॉड है ये, ठीक है ना, और ये 12 वायर मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो हर एक वायर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, कारण उसका, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है वी बी एल, और ये रिलेशन तब लगता है बच्चों, कब, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, पहले पैरेलल है, इसीलिए किसी भी वायर पर, किसी के वायर के अक्रॉस
इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, यही लिखा है। 12 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी सी बात हो गई ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हो गया, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। देन नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन एनी आर्म ऑफ द वायर बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी। थर्ड पॉइंट, बड़ा काम का पॉइंट लिखा है बच्चों, काम का नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम का पॉइंट है ये, फिर से समझो। इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैंने दो पढ़ाए हुए हैं आपको, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दो होते हैं बच्चों, एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ध्यान है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो था उसमें टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मैंने डिस्कस कराया था, एंगल ऑफ डिप डिस्कस कराया था, और हमारी अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ के दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट बताए थे ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बताए थे मैंने, ध्यान हो तो, ध्यान है ना। इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रॉड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, इस पॉइंट पर काफी क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं एक्सप्लेन कराऊंगा आपको, डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। पहले इस पॉइंट को देखो, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड जिसकी लंबाई एल है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से चल रही हो, तो उस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी। अब किस केस में, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे, मोशन में हो, तो उस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो भी सकता है और प्रोड्यूस नहीं भी हो सकता है। ये लिखा है, इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड। रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल बच्चों। इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करे तो किस केस में उस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और किस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। आप जरा दिमाग को स्थिर रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं, आप जरा गौर से देखो। यहां एक बात हम जानते हैं, हमारी अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ पर मैंने ये डायरेक्शन बना दिया बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ये तो डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे एच की, ये तो होता है एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमेशा ध्यान रखना साउथ से नॉर्थ की तरफ, एच की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है ना। और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं यहां पर भाई, आप जब पेपर पर बनाते हो, पेपर प्लेन पर जब फिगर बनाते हो तो आप इधर लिखते हो ईस्ट, इधर लिखते हो वेस्ट, इधर लिखते हो नॉर्थ, इधर लिखते हो साउथ, और ये किसकी डायरेक्शन है, एच की डायरेक्शन, कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो एक काम कर रहा हूं मैं, देखो इस एच को मैं इधर बना रहा हूं ऐसे, ये एच बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बना रहा हूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट। जरा गौर से देखना, अर्थ का ये तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा या तो या ऊपर होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होगा। तो मैं जरा गौर से समझना, मेरी बात को सुनना, ये तो एच की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया इधर तो हम मानेंगे साउथ और इधर मानेंगे नॉर्थ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बस इधर साउथ मानेंगे, इधर नॉर्थ मानेंगे, और इधर की तरफ
इस डायरेक्शन में ईस्ट मान लो, इधर वेस्ट मान लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप ईस्ट मान लो और इधर वेस्ट मान लो, आप अपने समझने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज ये भी नहीं करो तो एक काम कर लो, छोड़ो इसको, केवल यही बात याद रखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ये एच है। मैं समझाता हूँ, सुनो, आप ध्यान से सुनिएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल, इसको कहें ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये तो एच की डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, तो एच की डायरेक्शन हो गई साउथ से नॉर्थ की तरफ, एच तो हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो हॉरिजॉन्टल मैंने इस डायरेक्शन में बोल रहा हूं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर बोल रहा हूं मैं, तो इधर इसका मतलब क्या हो गया, इधर तो साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, क्लियर, ठीक है। स्पेशल फॉर न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की सुनो जरा ध्यान से। इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टली, मैं इसको कोई कंडक्टिंग रॉड मान ले रहा हूं बच्चों, इसको कोई कंडक्टिंग रॉड माने ले रहा हूं, ये कंडक्टिंग रॉड माने ले रहा हूं। इफ ए कंडक्टिंग रॉड, इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टली, ये कोई कंडक्टिंग रॉड है और ये कंडक्टिंग रॉड इस तरह से मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब क्या हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ ये वाला, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ और ये हॉरिजॉन्टल रॉड, और हॉरिजॉन्टल रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे 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 जा रही है, या फिर ऐसे चल रही है, या फिर ऐसे जा रही है। तो सोचो जरा दिमाग से, ये तो रॉड है, तो रॉड की लेंथ तो ऐसे हो गई ना, और ये कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में चल रही है रॉड, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण या हॉरिजॉन्टल के कारण, वर्टिकल के कारण होगा, हॉरिजॉन्टल रॉड मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, सोचो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इसके एंड्स पर, इसके एंड्स पर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा किसके कारण, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टली देन मैग्नेटिक फील्ड चेंज ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा, बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, बी जो लिखा है ना फॉर्मूले में, ई बराबर वी बराबर वी इजिकल टू वी बी एल लिखते थे आप, तो इस वी की जगह पर क्या लिख देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लिख देना, तो इस वी को मैंने वी ना कह करके मैंने इसको ई कह दिया है, इसको वी न कहकर इसको हमने क्या कहा है, इफ ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी वी हॉरिजॉन्टली देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी की जगह पर वी लिखना, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इजिकल टू, बी की जगह पर वी लिख दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, ये बात क्लियर है। सेकंड केस देखो, इफ ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल कैप्ट अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, जरा गौर से देखिएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड कैप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ऐसे रखी हुई इस तरह से, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल कैप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इधर तो ईस्ट इधर वेस्ट, इधर इधर नॉर्थ इधर साउथ, और ये कंडक्टिंग रॉड ईस्ट वेस्ट में रखी है, मूव्स वर्टिकली अप और डाउन, या तो ऊपर चले ऐसे या नीचे चले, एच ये रहा, लेंथ ये रही और चलने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, तो यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके कारण,
एच के कारण। इफ ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल केप्ट अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट मूव्स विद वेलोसिटी वी वर्टिकली अप और डाउन देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो बी इज इक्वल टू एच। इस फॉर्मूले में ई बराबर जो फॉर्मूला है आपका वी बी एल, यहां पर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से लिख दिया है, तो इस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, इस जगह पर एच लिख दो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर वी एच एल, इतना वोल्ट। थर्ड केस देखिएगा बच्चों, इफ ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल अलोंग लेंथ एल अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ध्यान से सुनिएगा, ये तो एच और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंडक्टिंग रॉड अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, रॉड ऐसे है इस तरह से भाई, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, इधर तो नॉर्थ ही साउथ, कंडक्टिंग रॉड नॉर्थ साउथ में रखी है ऐसे, और मूव्स वर्टिकली अप और डाउन, या तो नीचे चले या ऊपर चले। तो देखो जरा इसकी लेंथ इसके पैरेलल है तो एच की वजह से तो इंडिजिनियर नहीं होगा, और इसके चलने की डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, चल भी इधर ही रही है रॉड, तो इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ना तो एच की वजह से होगा ना वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा, तो इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। कब? जब रॉड नॉर्थ साउथ में रखी हो और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे चल रही हो, सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस अक्रॉस द रॉड। थर्ड केस, इफ ए हॉरिजॉन्टल रॉड, यहां देखिएगा, इफ ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल is kept along magnetic north south and moves with velocity v vertically up or down then magnetic flux passing through it will remain zero, magnetic flux pass nahi hoga so no change of magnetic flux so no induced emf will be produced, to iske ends par induced emf kya hoga zero hoga। For ek bahut important sa notes isi ke se related, a horizontal rod placed along मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में रखिए हॉरिजॉन्टल रॉड ऐसे, ठीक है नहीं, ए हॉरिजॉन्टल रॉड प्लेस्ड अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉल्स अंडर ग्रेविटी देन देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। ये रॉड हॉरिजॉन्टल रॉड है, नॉर्थ साउथ में रखी है और इस तरह से गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो इस रॉड के एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जीरो होगा, ठीक है ना। फोर्थ केस देखिएगा, इफ ए वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड मूव्स अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, कोई वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड है इस तरह से, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड इसको कहिए आप ऐसे, और ये रॉड चल रही है ईस्ट वेस्ट ऐसे चल रही है, ये तो एच हो गया, ये लेंथ हो गई और चलने की डायरेक्शन एच के परपेंडिकुलर हो गई, तो इसका मतलब फ्लक्स विल चेंज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फ्लक्स चेंज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर से समझो, एक कंडक्ट वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड्स मूव्स अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, ए वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड मूव्स अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, तो बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा एच, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड का हो गया इजल टू वी एच एल वोल्ट। क्लियर। फिफ्थ केस देखिएगा, If a vertical rod moves along magnetic north south, if a vertical conducting rod moves along magnetic north south, then magnetic flux passing through the rod not change, ठीक है ना। If a vertical rod कह रहा है, vertical rod along magnetic north south, then magnetic flux passing through it
डज नॉट चेंज सो लीड ईएमएफ इज जीरो। फिर से सुनिएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल रॉड, ये रही वर्टिकल रॉड नॉर्थ साउथ में चले ऐसे इस तरह से, तो न तो ये तो एच और वेलोसिटी सेम हो गए और ये वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ पैरेलल हो गई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स इसमें चेंज नहीं होगा। यही लिखा है मेरे बच्चे, इफ ए वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड मूव्स अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड डज नॉट चेंज सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। फिर से एक बात, पांचवा पॉइंट सुनिएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। इफ ए हॉरिजॉन्टल रॉड मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो फॉर्मूला लगेगा VVL, वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। इफ हॉरिजॉन्टल रॉड कैप्ट इन मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में रखी हो और मूव्स वर्टिकली अप और डाउन, हॉरिजॉन्टल रॉड कैप्ट अलोंग ईस्ट वेस्ट मूव अप और डाउन, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच। तो फॉर्मूले में लगेगा ईएमएफ का फॉर्मूला लगेगा VHL, क्लियर। दो केस हो गए हॉरिजॉन्टल रॉड। इफ ए वर्टिकल रॉड ध्यान से सुनिएगा, इफ ए वर्टिकल रॉड, ऐसे वर्टिकल रॉड मूव्स अलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, ईस्ट ऐसे चले ऐसे ऐसे, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, तो फॉर्मूला लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का VHL। इफ ए वर्टिकल रॉड है ये रही, मूव्स अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, जीरो। क्लियर है ये बात, फिर से सुनो, हॉरिजॉन्टल रॉड मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो क्या लगेगा, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण फ्लक्स चेंज होगा, तो VVL। हॉरिजॉन्टल रॉड कैप्ट इन मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट मूव वर्टिकली अप और डाउन, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, तो VHL। हॉरिजॉन्टल रॉड कैप्ट इन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एंड मूव वर्टिकली अप और डाउन, फ्लक्स विल नॉट चेंज, क्योंकि ये एच लेंथ के पैरेलल हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, फ्लक्स नहीं चेंज होगा। वर्टिकल रॉड मूव्स मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, फ्लक्स विल चेंज डी टू एच, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा VHL। वर्टिकल रॉड मूव्स अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, तो ये तो एच के पैरेलल और लंबाई वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल, फ्लक्स विल नॉट चेंज, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। मैं इससे आगे टॉपिक, बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, इस वीडियो में पहले आप इस लेक्चर को कंप्लीट सुने और इसको नोट कर लें और कम से कम चार बार इसको रिवाइज करें, फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे।